गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, स्वागत करता हूं मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है ऋतिक फॉन्ट प्रायरिटी इलाहाबाद। आज अपन बात करने वाले हैं जेई 2022 के ऊपर। जो बच्चे जेई 2022 देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिले तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे को भी मोटिवेशन मिलती है आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने के लिए। तो आज मैं बात करने वाला हूँ जो जेई मेंस 2022 के एक से डेढ़ मंथ बाकी, मतलब आपके मार्च के एंड तक जो तुम्हारा वो जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाएंगे, तो इतने दिन में जो तुम्हारा आपको क्या करना चाहिए आपके प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए, क्योंकि ये जो टाइम होता है एक से डेढ़ मंथ का, उसमें जो हमारा बहुत बच्चे जो हमारा थोड़ा सा लेजी बना जाता है, उनमें थोड़ा सा मतलब जो इतने दिन से आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसको थोड़ा सा स्लो डाउन कर देते हैं बहुत बच्चे, क्योंकि वो सोचते हैं इतने दिन से मेहनत करते आ रहे हैं अपन, इतने दिन से टेस्ट क्वेश्चन सब प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, तो इसमें जो हमारा थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। बट ये जो टाइम होता है ना, इसमें बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो कि उतने दिन से प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं, नहीं कर रहे होते हैं, बट इस मंथ में मतलब एक से डेढ़ मंथ में जो हमारा वो अपने प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा हाई कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी ज्यादा अच्छी रैंक आ जाती है, नंबर आ जाते हैं आपसे। तो आपको जो था हमारा इस टाइम में जो एक से डेढ़ मंथ बाकी है, आपको उसमें स्लो डाउन नहीं होना, आपको अपने प्रिपरेशन को और बूस्ट अप करना है। और अगर आप बूस्ट अप भी नहीं कर सकते तो जो आपने इतने दिन से कैरी कर रहे हो जितना अच्छे से प्रिपरेशन, आप उसी को कंटिन्यू करो, तो आपकी जेई मेंस में अच्छी रैंक अच्छे नंबर आएंगे। तो जो सबसे पहली बात होती है, जिन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन कर रखा है, थोड़े से अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे आते हैं, मतलब कर रहे होते हैं कि मतलब एक साल से दो साल से तीन साल से आप प्रिपरेशन करते आ रहे हो, तो उनके लिए जो था हमारे ये चीज है कि आप इसको भी थोड़ा सा कंटिन्यू रखो और जो था हमारा टेस्ट वेस्ट देने का थोड़ा सा फ्रिक्वेंसी ज्यादा करो, क्योंकि आपके पास जो था आप ज्यादा टाइम नहीं है, आप ज्यादा टाइम नहीं, आप मेन जो था हमारा वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से जो था हमारा वो आपके मतलब अच्छे नंबर अच्छे परसेंटाइल अच्छी रैंक जो था हमारा आपके आएंगी। क्योंकि अगर आपकी अच्छी मतलब जैसे कि आप मान लो अगर आप जनरल स्टूडेंट हो ना, तो जनरल स्टूडेंट के लिए जो था हमारा आपको अगर कोई एनआईटी भी चाहिए, मतलब टॉप 20 एनआईटी भी चाहिए ना, तो उसके लिए भी जो था हमारा आपके 97 परसेंटाइल से ऊपर नंबर होने चाहिए, परसेंटाइल होने चाहिए। और 97 परसेंटाइल लाने के लिए जो था हमारा आपको मिनिमम जो था हमारा 160 प्लस नंबर होने चाहिए, तभी आपके 97 परसेंटाइल आएंगे। तो ये जो था हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो था हमारा प्रिपरेशन को अच्छे से करो। जो बच्चे प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए जो था हमारा वो खास कर है कि आपके पास टाइम बहुत कम है, और ये जेई मेंस वाला जो था हमारा कोई तुक्का वाला सिस्टम नहीं होता कि आप तुक्के से अच्छे नंबर ले आओगे अच्छे परसेंटाइल ले आओगे, आपको तुक्का से नहीं, आप उसमें एक ही चीज मायने रखते हैं कि आप मेहनत कितना करते हो। तो जो आपके पास टाइम कम है जो एक से डेढ़ महीना है, आप उसमें जो था हमारा बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, जितना अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चन उतना अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप थ्योरी जो था हमारा वो थोड़ी मोड़ी तो पढ़ी होगी 11th में 12th में, अगर आप 13th में हो तो 13th में भी थोड़ी मोड़ी जो हमारा थ्योरी पर ही होगी, आप जब जहाँ पे क्लासेस कर रहे होंगे। तो जो हमारा मेन अभी आपको जो फोकस करना है वो मेन है क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, आप जितना अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि आप जब क्वेश्चन थ्योरी जब पढ़ते हो ना तो आपको थ्योरी पढ़ के जो था हमारा जेई मेंस में ज्यादा कुछ नहीं होता, क्योंकि आपके पास वहां पे भी नए नए क्वेश्चन कुछ आते हैं, तो अगर आप पहले से प्रैक्टिस नहीं करे होगे तो आपको समझ ही में नहीं आएगा कि ये नए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बट अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होगे क्वेश्चन सॉल्व करे होगे अच्छे से टेस्ट दिए होगे, तो आपको आदत सी हो जाएगी कि नए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो वहां पे जो था आपसे मतलब थोड़ा घबराहट नहीं होगी और कॉन्फिडेंट आएगा कि यार मैं तो ऐसा क्वेश्चन बहुत बार कर चुका हूँ, जब नए क्वेश्चन आए मैंने उनको बहुत बार सॉल्व करा है, तो वहाँ पे भी जो था हमारा आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप जो नए क्वेश्चन है जेई मेंस में आप उसको भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। दूसरा ये जो हमें हमेशा याद रखना कि आपके जो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, डेली लगभग 90 से 100 क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो, और ये जो था हमारा वो इक्वली डिवाइड होना चाहिए, ये नहीं कि मतलब एक क्वेश्चन एक सब्जेक्ट का जो था हमारा मान लो फिजिक्स मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है तो मैं फिजिक्स के 50-60 क्वेश्चन कर लेता हूँ, मैथ्स के 20, केमिस्ट्री के 10, ऐसे नहीं करना, आपको इक्वली डिवाइड करना। एक चीज तो आप मैंने भी प्रिपरेशन करने को टाइम जितना देखा है और अभी तक जितना बच्चे को देखा है मैंने, उसमें से 95% ऐसे बच्चे होते हैं जो कि जिनके दो सब्जेक्ट अच्छे होते हैं एक सब्जेक्ट वीक होती है। तो आपको जो आपके साथ भी ऐसा होगा कि एक सब्जेक्ट वीक होगी दो सब्जेक्ट अच्छे होंगे, तो आपको जो था हमारा ये नहीं करना कि जो वीक सब्जेक्ट है उसमें बहुत ही ज्यादा फोकस कर लिया जिससे कि मेरा स्ट्रांग सब्जेक्ट जो था वो भी वीक हो गया, आपको ऐसे नहीं करनी है। आपको जो वीक सब्जेक्ट्स हैं उस सब्जेक्ट हैं उसको जो था हमारा थोड़ा सा एवरेज पे लाओ और जो स्ट्रांग है उसको स्ट्रांग पे ही रखो, तब जाके आपकी रैंक और अच्छी बनेगी और नंबर भी अच्छे आएंगे। क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे करते हैं ना कि
ये शुरुआत में जब मैं प्रिपरेशन करने गया था कोटा, तो मैंने भी गलती करी थी कि मेरी फिजिक्स और केमिस्ट्री जो था हमारा अच्छी थी, बट मैथ्स मेरी बहुत ही ज्यादा वीक थी, बहुत ही ज्यादा वीक थी। तो मैंने क्या किया कि फिजिक्स मतलब मैथ्स पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने लगा, उसी हिसाब से क्या हुआ कि मेरे फिजिक्स वीक हो गए। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। मतलब मैथ्स पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने लगा, उसी हिसाब से क्या हुआ कि मेरे फिजिक्स वीक हो गए। ये हमेशा होता है कि आपके दो सब्जेक्ट अच्छे होंगे, एक सब्जेक्ट वीक हो ही जाएगी। तो मतलब बहुत सारे बच्चे 95% बच्चे ऐसे होते हैं। तो आपको जो था हमारा ऐसा नहीं देखना कि जो सब्जेक्ट वीक है उसको मेरे को स्ट्रॉन्ग ही करना, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो स्ट्रॉन्ग है उसको छोड़ ही देना। आपको जो वीक है ना उसको एवरेज पे लाओ, और जो स्ट्रॉन्ग है उसको स्ट्रॉन्ग पे ही रखो, तब जाके आपके जो था हमारा रैंक अच्छी बनेगी। तो ये पॉइंट जो था हमारा हमेशा ध्यान रखना कि आपके लिए जो सबसे ब्रह्मास्त्र बोलते हैं ना जिसको, वो है आपका प्रैक्टिस। कि अगर आपके उतना अच्छे से प्रिपरेशन आपने नहीं करा है तो आपको प्रैक्टिस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब जो दूसरी चीज आती है बहुत बच्चे का, ये बहुत बच्चे क्या करते हैं, टारगेट नहीं करते। मतलब ऐसा कोई सोच लेते हैं कि प्रिपरेशन करना, प्रिपरेशन करते जाते हैं, कोई टारगेट नहीं होता उनका। बट एक चीज हमेशा याद है, मैं एक टारगेट आप जरूर सोचना कि मेरे को, आप अगर जनरल हो तो मान लो अच्छे टॉप 10 है एनआईटी में, आपको सीएस चाहिए तो आप सोच लो कि मुझे 99% प्लस लेके आना है, 210, 220, 200 के प्लस मेरे को नंबर लाने हैं। तो ये अगर आप सोच लोगे, और फिर इसके ऊपर भी सोचना कि अगर मैं एनआईटी में जाऊंगा या फिर आईआईटी में जाऊंगा तो फिर मेरे कैसे मैं मतलब मेरी कॉलेज लाइफ क्या होगी, मैं वहां पे जाके क्या क्या करूंगा। क्योंकि जब आप सपने देखते हो ना, तो सपने से जो हमारा आपको मोटिवेशन आता है कर्म का मतलब प्रोसेस करने का। आप जो मतलब जब कोई सपना है आपका कि मेरे को, मैं कॉलेज में जाके जो मैं यहाँ पे नहीं कर पा रहा हूँ, वो मतलब प्रिपरेशन के टाइम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वहाँ पे जाके करूंगा। जैसा कि मेरे को यूट्यूब करना था तो मैं प्रिपरेशन के टाइम नहीं कर सकता था, बट मैं सोचता था कि जब मैं कॉलेज चला जाऊंगा उसके बाद जो था हमारा ये मैं जरूर करूंगा। जैसे ही मैं कॉलेज में एडमिशन हुआ वैसे ही मैंने ये स्टार्ट करी, और बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि मैं प्रिपरेशन के टाइम नहीं करता था, बट अभी जो था हमारा मैंने बहुत सारी चीजें स्टार्ट करी है। तो ये चीज सब जो था हमारा आप सोचोगे ना तो आपको मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि ये सफर जो था ना हमारा बहुत ज्यादा लंबा है, आपको बहुत देर तक जो था हमारा आपको मेहनत करनी होगी, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। उसके लिए जो था हमारा मोटिवेशन जरूर चाहिए, और मोटिवेशन चाहिए तो मोटिवेशन के बारे में सोचो कि मैं IIT दिल्ली जाऊंगा, IIT बॉम्बे जाऊंगा, तो NIT तिरछी जाऊंगा, तो फिर मेरी लाइफ कैसे हो जाएगी, मैं वहां पे जाके क्या क्या करूंगा, मतलब कैसे दोस्त बनेंगे मेरे, वहां पे जाके मेरे को बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करनी है। इतना आसान नहीं है, बहुत ज्यादा टफ होती है। मैंने खुद करा है तो मेरे को पता है कितना ज्यादा टफ होती है सारे डिस्ट्रक्शन को हटा दूर रखना। क्योंकि जब मैं प्रिपरेशन करता था तो एक मेरे VPS सर थे जो मतलब इनऑर्गेनिक पढ़ाते थे, वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा देते थे। अगर मैं कोई बच्चा उनको बोलता सर मेरे फिजिक्स में ये टॉपिक वीक है तो सर वही पढ़ा देते, मैथ्स में वही पढ़ा देते, अगर कोई टॉपिक वीक है तो ऐसे VPS सर थे। तो वो हमेशा कहते थे ना कि मतलब जो ये अपना पढ़ने का जो काम है ना, वो थर्मो मतलब डेल्टा एस जो था हमारा उसका पॉजिटिव है, मतलब अपने आप नहीं होना चाहती है क्रिया। आपको जो था हमारा एक्सटर्नल फोर्स कोई चाहिए, एक्सटर्नल चीज चाहिए जो आपको वो काम को करवाए, मतलब आपको मोटिवेशन चाहिए, आपको सपने चाहिए, उस सपने की वजह से आप प्रोसेस करोगे। तो इसलिए जो था हमारा आपको सपने देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और डिस्ट्रक्शन जो हमारा दुनिया में बहुत ज्यादा है उसको दूर करके आप पढ़ने के लिए जो हमारा बहुत ही ज्यादा टफ काम है। इसलिए जो हमारा टफ काम को आप बहुत अच्छे से कर सकते हो अगर आपके पास। मतलब कोई ऐसा हो कि मतलब टारगेट मेरे को करना क्या है, आप सोच लो कि अगर आपके टेस्ट में 160 नंबर आ रहे हैं, 170 नंबर आ रहे हैं, तो आप सोच लो मेरे को 220 नंबर लाने हैं, 220 नंबर लाने हैं, और आप अच्छे से मेहनत करो, आप टेस्ट देते रहो लगातार। और ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जितने आपको टेस्ट में एवरेज नंबर आ रहा है उससे ज्यादा ही आपको JEE Mains में नंबर आएंगे, ये मैं लिख के गारंटी देता हूँ। क्योंकि बहुत सब बच्चे के साथ होता है, और मैंने देखा है कि जो मेरे साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरे साथ भी हुआ है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे के साथ हुआ जो उनके टेस्ट में एवरेज नंबर थे उससे जो हमारा ज्यादा है उनको JEE Mains में नंबर आते थे। तो अगर आपके 160-170 नंबर आ रहे हैं तो आप 220 का टारगेट रखो, उसी हिसाब से जो हमारा मेहनत करो, तो आप देखना आपके नंबर आएंगे ही आएंगे। और जब अगर आप जनरल होना तो जनरल के जो हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप 99% से ऊपर प्लस स्कोर करो, तभी आपका कोई
दरवाजा खुलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन है और अगर आपके उतने अच्छे नंबर नहीं होंगे ना, परसेंटाइल नहीं होंगे, तो आपको उतनी अच्छी कॉलेज नहीं मिलेगी। फिर जो तुम्हारा आप जितने साल मेहनत कर रहे हो ना, वो सब बर्बाद हो जाएगी। इसलिए जो तुम्हारा आपको मेहनत बहुत अच्छी से करनी है और अपने पे भरोसा रखना है, क्योंकि बहुत बच्चे जो तुम्हारा अपना भरोसा खो देते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा कि जिनको अपने आप पे भरोसा नहीं होता कि नहीं यार मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, वो अगर उनकी कैपेबिलिटी होती ना, फिर भी वो नहीं कर पाते। इसलिए अपने आप पे भरोसा रखना है। आप हमेशा उनसे बात जो आपको हमेशा मोटिवेट करता है। एक दो पर्सन आपके लाइफ में ऐसा होने चाहिए जिनसे आप अगर बात करो ना, तो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिले उनसे बात करने का। आप उनसे कांटेक्ट बनाए रखो, उनसे बात करो, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेटर होगा, आप बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड होगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ये एक आपके लाइक और एक सब्सक्राइब से देता है, मेरा भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन होता है आपके लिए वीडियो बनाने का। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।